अस्सलाम जी, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान आरिफ। ये फ्लफी का केस हमारे पास प्रेजेंट हुआ था अभी एक दो घंटे पहले। इसने रात को 10 बजे एक बच्चा डिलीवर किया था, मरा हुआ, प्री मेच्योर बर्थ थी इसकी। उसके बाद से बच्चा डिलीवर नहीं कर रही थी और इसने जोर लगाना भी छोड़ दिया। जब ये हमारे पास आई अलियानपेट हॉस्पिटल पर, तो सबसे पहले हमने इसके एक्सरे परफॉर्म किए, तो जिसमें पता लगा कि इसके पेट के अंदर दो बच्चे हैं। हमने इसको हार्मोन लगा के इसकी जो पार्चुरेशन है वन यूज़ करने की कोशिश की, बट फीमेल ने जो है वो जोर नहीं लगाया और बच्चे डिलीवर नहीं किए, जिसकी वजह से हमें फिर इसका फ़ौरन एमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़ा, ताकि बच्चे जो हैं हम जिंदा निकाल सकें इससे पहले कि वो मरने लग जाएं। 12 घंटे की विंडो होती है फीमेल की, अगर बच्चा एक डिलीवर कर दे उसके 12 घंटे के अंदर उसने सारे बच्चे डिलीवर करने होते हैं। बट अगर फीमेल बच्चा एक 12 घंटे के अंदर डिलीवर ना करे, तो फिर आपने उसको सी सेक्शन की तरफ जाना होता है, जिसमें आपने बच्चे उसके निकलवाने होते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके दो बच्चे हैं, जो दो बच्चे इसके अंदर थे वो दोनों ही जो है रिकवर कर लिए हैं और दोनों ही जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये है कि अभी इनको मिल्की रिप्लेसर्स के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा, और जब थोड़ी सी मदर स्टेबलाइज हो जाएगी, होश में आ जाएगी, तो फिर हम इसको जो है मदर के मिल्क के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। और मदर जो है वो अभी जो है एंटीबायोटिक्स के ऊपर रहेगी, और इसकी वुंड क्लीनिंग वगैरह होगी सेप्टिन के साथ, इसका वुंड वगैरह क्लीन होगा। और इस तरह की कंडीशन के अंदर सेप्टिन ही बेहतर ऑप्शन होता है एज़ कम्पेयर टू पायोडीन के। पायोडीन चाटने से, अगर फॉर एग्जाम्पल पायोडीन आपने लगाई हुई है, बच्चे वहाँ पर आके मिल्क फीड करने की कोशिश करेंगे, तो पायोडीन चाटने से बच्चों को नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के वुंड जो हैं वो सबसे पहले जो कंडीशन होती है उसके लिए सेप्टिन से क्लीन करने चाहिए। सेप्टिन एक सेफ एंटीसेप्टिक होता है किटन्स के लिए, अगर थोड़ा बहुत लगा भी रह जाए तो उसमें ज़्यादा परेशानी कोई नहीं होती। अब जैसे ये वाला ये कैट है, अब इसका वुंड जो है इस पर स्टिचेस नहीं लगे हुए, तो आपने अच्छी तरह इसका जो है सुबह शाम वुंड साफ़ कर देना है। जब ये होश में आएंगी, किटन वगैरह इसको अप्रोच करेंगे, तो अगर इसको लिक कर भी लेते हैं सेप्टिन को या मुंह वगैरह लगा लेते हैं, तो उसमें इन बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है फीमेल सेफ़ है, एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ गुजार सके। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।